हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लर्न विद यतिमन। तो सभी लोग आ चुके हैं और जो लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया है आप लोगों ने, तो प्लीज इन्फॉर्म करिएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा जिससे कि लोगों को पता चल सके कि हाँ, यहाँ पर लर्न विद यतिमन में यूनिट वाइज टेस्ट जो है वो बिल्कुल और बिल्कुल फ्री में लिए जाते हैं। आज हम लोग यूनिट 1 के अंतर्गत ही ये हमारा तीसरा टेस्ट होगा जिसमें हम वृद्धि और विकास की संकल्पना, विकास के विभिन्न आयाम एवं सिद्धांत, विकास को प्रभावित करने वाले कारक, यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ही ये आपका टेस्ट रहेगा। आप लोगों को बहुत अच्छे से टेस्ट देना है। लगभग मैंने यहाँ पर 50 क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बिल्कुल 100% देना है। जो बच्चा ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स लेके आएगा उन टॉप 5 का नाम जो है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगी, जिससे कि ये पता लगेगा आप लोगों की बच्चों की तैयारी जो है वो किस हद तक है। ठीक है, तो सभी लोगों को मोटिवेशन मिलता है इन चीजों को देखकर। तो यहाँ पर बिल्कुल फ्री में टेस्ट लिया जा रहा है, यहाँ कोई भी आपसे शुल्क नहीं लिया जाता है। कई बच्चों को नहीं पता होता है, वो पूछते हैं कि यूनिट टेस्ट जो है क्या हमें इसका अलग से पे करना होगा। यूट्यूब पर मेरे द्वारा डाला गया सब कुछ फ्री है, आपको कुछ भी उसके लिए पे नहीं करना है। ठीक है, बस आप लोगों को मेरे लिए एक काम करना है और वो क्या है कि वीडियो को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। सब्सक्राइब करने से आप लोगों को नोटिफिकेशन जो है वो टाइम टू टाइम मिलता रहता है कि अगला वीडियो जो है वो कौन सा आने वाला है। ठीक है, आप लोगों को मेरे लिए तो बस इतना ही करना है। हो सके तो वीडियो को लाइक करिएगा, ये आप लोगों के ऊपर निर्भर है। चलिए आज का टेस्ट देते हैं। बिल्कुल 100% देना है आप लोगों को। और नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो पहले से ही मैं बता देती हूँ कि व्यक्तित्व या व्यक्तित्व विभिन्नताएं, इससे संबंधित जो है वो आपका टेस्ट होगा यूनिट 2 का। चलिए अब सब लोग आ चुके हैं, स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। 50 क्वेश्चन है, लेकिन आपको थोड़ा सा जल्दी करना है। हर क्वेश्चन को मैं 2 बार पढ़ूंगी और ऑप्शन के बाद भी मैं थोड़ा सा रुकूंगी, ठीक है, जिससे कि किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 1 है, विकास कैसा परिवर्तन है? तो विकास कैसा परिवर्तन है? विकास एक गुणात्मक परिवर्तन है, रचनात्मक परिवर्तन है, गणनात्मक परिवर्तन है या नकारात्मक परिवर्तन है? तो सही आंसर जो है वो इसका ये रहेगा। लास्ट में आप लोगों के देखने वाली हूं मैं कितनों के सही हुए हैं। ठीक है, तो यहां पर केवल क्वेश्चन और ऑप्शन, इन पर आप फोकस करिएगा। यहां है आंसर, गुणात्मक परिवर्तन है। ठीक है, विकास जो है वो ना तो रचनात्मक परिवर्तन है, ना ही गणनात्मक, ना ही नकारात्मक। ये कैसा परिवर्तन है? गुणात्मक परिवर्तन है। हिंच दुविधा का संबंध है, तो आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि किस थ्योरी की बात हो रही है। शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास से, नैतिक विकास से या भाषिक विकास से? तो सोचिए सोचिए फटाफट से इसका सही आंसर। हिंज दुविधा का संबंध है। तो इसका सही आंसर जो है वो रहेगा कोहल वर्ग की थ्योरी, जीन पियाजे की थ्योरी, वाइगोस्की की थ्योरी। विकास से संबंधित आप लोगों ने पढ़ी होगी, तो आंसर जो रहेगा वो रहेगा नैतिक विकास से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? समाज में प्रतिष्ठित स्थान बनाना, दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास, सामाजिक समूह बनाना या उपरोक्त सभी? तो इनमें से सही आंसर क्या रहेगा? मनोविज्ञान में सामाजिक विकास से क्या अभिप्राय है? तो यहां पर सही आंसर जो है वो रहने वाला है, देखिए आंसर आप लोग देते जाइए, मैं देखती हूँ कि किस किस का सही है। जो बच्चे स्टार्टिंग से ही टेस्ट देते आ रहे हैं उनके तो कभी गलत होते ही नहीं है, एक या दो क्वेश्चन उन लोगों के गलत होते हैं। तो रेगुलर पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो आंसर रहेगा इसका, दूसरों के साथ अच्छे संबंधों का विकास, ये अभिप्राय होता है मनोविज्ञान में सामाजिक विकास का। क्वेश्चन 4, पहचान संकट का संप्रत्यय किसने दिया व यह किस अवस्था से संबंधित है? एरिक्सन की किशोरावस्था से, ऑलपोर्ट की शिशु अवस्था से, एरिक्सन की बाल्यावस्था से या कैटल की भ्रूणावस्था से?
तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा टाइम देती हूँ। इसका सही आंसर जो रहेगा वो क्या रहेगा, ये एरिक एरिक्सन की थ्योरी है। तो पहचान संकट का जो कंसेप्ट है वो किशोरावस्था से संबंधित है। किसने दिया है? एरिक एरिक्सन ने। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा मूल प्रवृत्ति संवेग के अनुरूप सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, निवृत्ति घृणा, शरणागति करुणा, संतान कामना वात्सल्य, युयुत्सा भय। तो मैकडूगल की जो मूल प्रवृत्ति है उससे संबंधित है ये प्रश्न। मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। अब यहां पर कौन सा जोड़ा जो है वो सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, युयुत्सा का भय से ये जो जोड़ा है वो नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है, बहुत ध्यान से देखना है, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है अध्यापिका के द्वारा दिए गए सहयोग की सीमा निर्धारित करना, बच्चे को अपना सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए उपलब्ध कराए गए सहयोग की मात्रा एवं प्रकृति, बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाली तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच में अंतर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है आंसर नंबर देखिए सी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। तो ZPD, आप लोगों ने वाइगोत्स्की की थ्योरी देखी होगी, तो यहाँ समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या है? बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाली और सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच में अंतर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था, मूर्त प्रयोगों का काल, औपचारिक या संक्रिया अवस्था, प्राक संक्रिया अवस्था। तो विकास की जो सबसे पहली स्टेज है वो कौन सी है? सभी को आता है ये, और सभी का सही होगा इसका, तो ऐसा मेरा सोचना है सभी सही करेंगे। तो इसका आंसर तो फटाफट से आया है, इसका देखिए आंसर जो है क्या होगा, सबसे पहली है संवेदी गामक अवस्था। नेक्स्ट है ऑप्शन सॉरी क्वेश्चन नंबर 8। ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस माह में बोलते हैं? ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस माह में बोलते हैं? 3 माह में, 6 माह में, 8 माह में या 10 माह में? तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो ये रहेगा ऑप्शन नंबर डी, 10 माह में प्रथम सार्थक शब्द बोलते हैं। नेक्स्ट है संवेदात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? संवेगात्मक शक्ति का सर्वाधिक प्रभाव किस अवस्था में होता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जो इमोशन होते हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावी कौन सी अवस्था में होते हैं? किशोर अवस्था में। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 10। विकास काल के दौरान भ्रूण के सिर का विकास उसके पैरों से पहले होता है, यह विकास की कौन सी प्रकृति की सर्वोत्तम व्याख्या है? प्रॉक्सीमोडिस्टल, सेफेलोकॉडल, समरूपता या एकीकरण?
यहां पर आप लोगों से विकास की प्रकृति पूछी है कि भ्रूण के सिर का विकास जो है वो पहले हो रहा है और पैरों का बाद में। तो इसका सही आंसर जो रहेगा, तो आप लोगों ने सोच लिया होगा, देखिए हमें बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं, आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, सेफेलोकॉर्डल। और प्रॉक्सीमोडिस्टल क्या होता है, जिसमें हम केंद्र से बाहर की तरफ जो है वो बढ़ते हैं, ठीक है। और सेफेलोकॉर्डल क्या है, जिसमें सबसे पहले सिर का विकास हो रहा है और उसके बाद नीचे की तरफ आते हैं पैरों का विकास हो रहा है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 11, जीन पियाजे द्वारा संरक्षण का प्रत्यय से तात्पर्य है कंजर्वेशन। ऑप्शन है, दूसरों के परिदृश्य को ध्यान में रखना एक महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक क्षमता है। कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृतियां जो है वो बदल जाएं। वन्य जीवन और वनों का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है या इनमें से कोई नहीं। तो जीन पियाजे की थ्योरी में हम देखते हैं कंजर्वेशन से क्या तात्पर्य होता है, संरक्षण से क्या तात्पर्य होता है। तो यहां पर केवल एक ही आंसर जो बिल्कुल सही है, जीन पियाजे की थ्योरी में वनों से संबंधित तो कोई बात ही नहीं होती है, तो सी तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो देखिए इसका जो आंसर सही रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर बी, कुछ भौतिक गुणधर्म वही रहते हैं चाहे बाहरी आकृति बदल जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने जब चैप्टर किया था तो उसमें हमने दो बीकर का एग्जाम्पल लिया था, एक बीकर जो है वो चौड़ाई में बड़ा दिख रहा है और एक लंबाई में बड़ा है, जिसमें पानी जो है वो बिल्कुल बराबर डाला गया है, लेकिन जो लंबाई में बीकर था उसमें पानी जो है वो बच्चे को ज्यादा लग रहा था, ठीक है। तो उसी से संबंधित है संरक्षण का प्रत्यय, जबकि उसमें पानी जो है वो बराबर था, ठीक है। तो डिटेल में तो आप लोग थ्योरी आपने पढ़ी होगी, यहाँ पर इतना टाइम जो है वो नहीं रहेगा कि 50 क्वेश्चन हमको पूरे करने हैं, तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्यक्षों से होती है, तो यह कौन सी अवस्था है। तो यहाँ पर हमने देखा जीन पियाजे की थ्योरी है ये, 12 से 18 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष या 7 से 12 वर्ष। तो यहां पर जो आंसर रहने वाला है वो बिल्कुल आंसर क्या रहने वाला है, 7 से 12 वर्ष कि जो ये थर्ड स्टेज है, जिसमें यही है कि बालक जो है वो मूर्त चीजों को देखकर उसके बारे में क्या कर सकता है, अनुभव उसके बारे में सोच सकता है, ठीक है। और इसके बाद की जो अवस्था होती है फोर्थ स्टेज, वहां पर वह अमूर्त वस्तुएं जो उसको दिखाई नहीं दे रही हैं उसके बारे में भी सोच सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है, तो वो कौन सी अवस्था है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो सोचिए फटाफट से, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, किस अवस्था में स्वसम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है। तो आंसर जो है वो ये रहेगा किशोरावस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विधायकता मूल प्रवृत्ति किस अवस्था में विकसित होती है, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, युवावस्था में या शैशवावस्था में। तो इसका सही आंसर जो है वो क्या रहने वाला है, फटाफट से लगाइए, अभी हम केवल क्वेश्चन 14 पर ही पहुंचे हैं, हम लोगों को 50 क्वेश्चन करने हैं। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, देख लीजिए, बाल्यावस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब व किसने दिया, स्टैनली हॉल ने 1904 में, थॉर्नडाइक ने 1904 में, क्रो एंड क्रो ने 1904 में या हलिंगबर्थ ने 1904 में, किसने दिया किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत। तो
तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा स्टैनले हॉल, जिन्होंने 1904 में ये सिद्धांत दिया था। कहीं कहीं पर आपको त्वरित विकास का सिद्धांत भी मिलेगा, ठीक है। आंसर यही रहने वाला है, स्टैनले हॉल, आकस्मिक विकास का सिद्धांत या त्वरित विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। बालक का विकास परिणाम है वंशानुक्रम का, वातावरण का, उपरोक्त दोनों का, या इनमें से कोई नहीं। तो बालक का विकास जो है वो किसका परिणाम है? तो इसका सही आंसर जो है वो ये रहेगा। यहाँ सोचने का तो टाइम ही नहीं आपको मिलेगा, क्यों? क्योंकि आंसर जो है वो बहुत ही ज्यादा आसान है, उपरोक्त दोनों, बालक का विकास जो है वो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का ही परिणाम है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17। कोहल वर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, इसके अंतर्गत निम्न में से कौन सी उसके सिद्धांत की एक अवस्था है? तो यहाँ पर चार अवस्थाएं हैं, इनमें से कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था कौन सी है? पूर्व संक्रियात्मक, परंपरागत अवस्था, संवेदी गामक अवस्था, या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। थ्योरी आप लोगों ने पढ़ी है, देखते ही पता लग जाना चाहिए आंसर आपका सही क्या होगा। इसमें तो सभी के फटाफट से आंसर आए हैं और सभी के ही लगभग सही हैं। देखिए आंसर बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन, परंपरागत अवस्था। बाकी जो तीन अवस्थाएं हैं, पूर्व संक्रियात्मक, संवेदी, मूर्त संक्रियात्मक, ये सभी जीन पियाजे की थ्योरी की अवस्थाएं हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर, जटिल से कठिन की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या साधारण से आसान की ओर। तो आंसर क्या रहेगा इसका? विकास जो है वो कैसे बढ़ता है? चलिए देखिए इसका आंसर, आंसर रहेगा सामान्य से विशिष्ट की ओर, क्योंकि विशिष्ट से सामान्य ऑप्शन ए गलत है, कठिन से जटिल से कठिन ये तो एक ही बात हो गई, और ऑप्शन डी साधारण से आसान ये भी एक ही बात हो गई। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही रहेगा, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, या समान प्रतिमान का सिद्धांत? तो मैंने इस यूनिट में विकास और अभिवृद्धि से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते थे सभी इंक्लूड किए हैं, जिसमें विकास के आयाम भी आ गए, सिद्धांत भी आ गए, प्रभावित करने वाले कारक भी आ गए, ठीक है। तो यहां जो आंसर रहेगा, विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं होगा? तो देखिए बिल्कुल सही आंसर है, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ये विकास का सिद्धांत नहीं है। प्रत्यावर्तन यानी कि वापस जाना, विकास निरंतर चलता है, निरंतर विकास का सिद्धांत ऑप्शन ए सही है, परस्पर संबंध का सिद्धांत ये भी सही है, और समान प्रतिमान का सिद्धांत ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। विकास प्रारंभ होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से, शैशवावस्था से, या किशोरावस्था से? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर बिल्कुल यही रहेगा कि विकास जीवन पर्यंत चलता है, प्रसव पूर्व अवस्था से, मां के गर्भ से लेकर और अंतिम मृत्यु तक विकास जो है वो चलता रहता है। आंसर रहेगा ऑप्शन बी, प्रसव पूर्व अवस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन 21। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक क्षेत्रों में बांटा जाता है, विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, आंशिक रूप से विकसित, अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप में विकसित, या उपरोक्त सभी? तो यहां पर पहले तो क्वेश्चन को समझिए। बच्चे के विकास को अक्सर शारीरिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और सामाजिक क्षेत्र विभाजित करते हैं, बिल्कुल सही लाइन है। विकास प्रक्रिया इन क्षेत्रों में कहां तक संबंधित है?
तो विकास के लिए कोई भी आयाम जो है वो छोड़ा नहीं जा सकता है, किसी को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ आंसर रहने वाला है इंटीग्रेटेड है, ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं, एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 22, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है विकास, वृद्धि, संतुलन और परिपक्वता। मात्रात्मक, मात्रात्मक यानी कि मात्रा हो किसी की, मापा जा सके। व्यक्तिगत क्षमता, एक व्यक्ति की क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, अभिवृद्धि या वृद्धि। ठीक है, अभिवृद्धि ना हो, वृद्धि मिले तब भी आपको लगाना है कि ग्रोथ के बारे में बात हो रही है, जिसे क्या हम माप सकते हैं। 23 क्वेश्चन है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है, धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चे उंगलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है, तो यह किस प्रकार की प्रगति है? तो देखिए सीटेट में ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है, सेफलोकोडल प्रगति, प्रॉक्सीमोडिस्टल प्रगति, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आंसर जो है वो ऑप्शन ए और बी में से रहने वाला है। चलिए आप फटाफट से बताइए, सबसे पहले बच्चा जो है वो पूरी हथेली का उपयोग कर रहा है, उसके बाद धीरे धीरे वृद्धि और विकास के द्वारा अब उसने उंगलियों और अंगूठे का यूज जो है वस्तु को पकड़ने के लिए कर लिया है, तो ये कौन सी प्रगति है? तो दो प्रगति हमने देखी है, सेफलोकोडल और प्रॉक्सीमोडिस्टल। सेफलोकोडल की बात हमने एक क्वेश्चन में कर ली है, जिसमें सर से नीचे पैर की तरफ विकास हो रहा है। प्रॉक्सीमोडिस्टल प्रगति क्या है? आंसर जो है वो इसका यही है। ठीक है, तो जिन्होंने पढ़ा है उनको तो फटाफट से ही आंसर जो है उन्होंने लगा भी दिया है, जिन्होंने नहीं देखा है तो अब आप समझ लीजिए, पिछले वाला क्वेश्चन का आंसर जो है सेफलोकोडल था, जिसमें सर से पैर की तरफ प्रोग्रेस हो रही थी, विकास हो रहा था। प्रॉक्सीमोडिस्टल केंद्र से बाहर की तरफ, यानी पहले तो हथेली का उपयोग किया और उसके बाद धीरे धीरे अंगूठे और उंगली अंदर से बाहर की तरफ, तो ऐसे विकास हो रहा है। नेक्स्ट देखिए 24 क्वेश्चन, अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो ये क्वेश्चन जो है वो बीच में बाल अध्ययन का है, स्टैनले हॉल, जीन प्याजे, पेस्ट्रोलॉजी या वुडवर्थ। तो आंसर रहेगा इसका स्टैनली हॉल ने सबसे पहले अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की। नेक्स्ट है क्वेश्चन 25, कौन सा कथन यहाँ सही नहीं है? देखिए विकास के नियमों की भविष्यवाणी की जा सकती है, विकास के सिद्धांत हमने देखे, विकास का उद्देश्य वंशानुगत क्षमता का विकास करना है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में संभाव्य खतरे होते हैं, प्रारंभिक विकास बाद के विकास से महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पर एक कथन गलत है, वो कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो है वो है कि विकास का उद्देश्य केवल और केवल वंशानुगत क्षमता का विकास करना है, ऐसा नहीं है। यहाँ वातावरण जो है अगर वो भी लिखा होता तो ये भी कथन सही हो जाता। विकास के नियमों की भविष्यवाणी की जा सकती है, भविष्यवाणी का सिद्धांत है, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अपने खतरे होते हैं, ठीक है, बाल्यावस्था में अलग होते हैं, शैशवावस्था में भी होते हैं, किशोरावस्था में भी होते हैं, प्रारंभिक विकास बाद के विकास से महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो कौन सा है? जो सबसे पहला वाला विकास है, शैशवावस्था, ठीक है, जो कि क्या है, नींव है विकास की, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 26 क्वेश्चन है, किशोरावस्था प्रबल दबाव व तूफान एवं संघर्ष का काल है, तो यह किसने कहा है? स्टैनली हॉल ने, जॉन्स ने, एस्ट्रोलॉजी ने या एरिक्सन ने?
वेरी गुड, सभी के ही सही है। बिल्कुल, स्टैनली हॉल ने ये बात कही है कि किशोरावस्था प्रबल दबाव व तनाव तूफानों संघर्ष का काल है। 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, तो ये कथन किसका है, ये डेफिनेशन किसकी है, वॉटसन की, जीन प्याजे की, क्रो एंड क्रो की, या स्टैनले हॉल की? 20वीं शताब्दी बालक की शताब्दी है, ये कथन किसके हैं? इसका जो सही आंसर है, ये तो आपको याद है, तो आंसर लगा लोगे, यहाँ सोचने वाली तो बात ही नहीं है, क्रो एंड क्रो। निम्न में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है? सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं, विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, सभी विकास परिपक्व व अधिगम की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, सभी विकास व अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, तो इनमें से बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। पर गलत जो होगा वो होगा कि सभी विकास और अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 29, विकास का शिरपदा विमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो क्वेश्चन जो है वो मैं अभी पूछा ही है मैंने, लेकिन जो पहले उसका इंग्लिश में पूछा था, अब उसी का हिंदी में पूछा जा रहा है, शिरपदा विमुख दिशा सिद्धांत। तो ये सिद्धांत क्या कहता है, सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, या ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, इसमें विकास जो है वो कैसे बढ़ता है? तो अभी एक्सप्लेन किया था मैंने, इसका सही जो आंसर है, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है, आंसर बिल्कुल सही है शिरपदा विमुख, नाम से ही पता लग रहा है, सिर पद यानी पैर, सिर से पैर की ओर सिद्धांत है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 30, त्वरित विकास का सिद्धांत किसने दिया है? मैंने समझाने में ही इसका आंसर दे दिया था, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, अभी हमने बात की थी कि त्वरित विकास का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था, आकस्मिक विकास का सिद्धांत या त्वरित विकास का सिद्धांत? तो सही आंसर जो है वो यही है, 1904 में स्टैनले हॉल ने दिया था, आकस्मिक विकास का सिद्धांत और त्वरित विकास का सिद्धांत, इसी का दूसरा नाम है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 31, कौन सा अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, सामान्य से सामान्य क्रियाओं का, विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, सतत विकास का सिद्धांत, या व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत? तो अभिवृद्धि और विकास का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है? तो इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आपका टॉपिक जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है, जो चीजें आपने गलत भी अगर की हैं तो यहाँ पर आप लोगों के लिए सही हो जाती हैं। इसके अलावा यदि आपको किसी ऑप्शन में प्रॉब्लम आती है तो प्लीज और प्लीज आप कमेंट करिएगा, उसका सॉल्यूशन जो है वो मैं आप लोगों को दूंगी। कई बार गलती जो है वो टाइपिंग में या मेरे बोलने में भी गलती हो जाती है, ठीक है? चलिए, तो इसका सही आंसर जो है वो होगा विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, ये अभिवृद्धि विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि विकास का सिद्धांत क्या कहता है, सामान्य क्रियाओं से विशिष्ट की ओर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 32, ऑप्शन देखिए, विकास एक प्रक्रिया है, खंडित प्रक्रिया है, पूर्ण प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया है, या अपूर्ण प्रक्रिया है? विकास एक प्रक्रिया है, खंडित, पूर्ण, निरंतर या अपूर्ण? अब देखिए सही आंसर, आंसर क्या है, विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन, 1904 में एडोलेसेंस पुस्तक लिखी किसने लिखी? वॉटसन ने, जॉन्स ने, स्टैनले हॉल ने, या एरिक्सन ने?
तो जो क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, आप लोगों के एग्जाम में आने वाले होते हैं, उनको मैं अलग अलग तरीकों से इसलिए पूछती हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल और बिल्कुल याद हो जाए। तो ये आंसर जो है वो सभी बच्चे सही दे रहे हैं और सबका ही सही है, किसी का गलत नहीं है। आंसर बिल्कुल यही है, स्टैनले हॉल। नेक्स्ट देखिए 34 क्वेश्चन। मस्तका दो मुखी एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है? चेतना का, वृद्धि का, संशोधन का या विकास का? तो इसका आंसर बिल्कुल सही सोचा है आप लोगों ने, किसका है ये? विकास की क्रिया का ही अंग है। किसने सर्वप्रथम बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया? पेस्ट्रोलॉजी ने, क्रो एंड क्रो ने, वुडवर्थ ने या वॉटसन ने? तो किसने सबसे पहले बाल विकास का वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया? तो आंसर है पेस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन। निम्न में से विकास की विशेषता है, निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया, शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक, गुणात्मकता या संख्यात्मकता? संख्यात्मकता। इनमें से विकास की विशेषता कौन सी है? तो यहां पर एक ही आंसर रहने वाला है इसका। तो 36 क्वेश्चन तक आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि विकास कैसी प्रक्रिया है, ठीक है? तो यहां पर आंसर जो है वो ये रहेगा कि विकास की विशेषता है गुणात्मकता, और बाकी जो ऑप्शन है, निश्चित आयु तक चलने वाली प्रक्रिया, शारीरिक अंगों में परिवर्तन का सूचक या संख्यात्मक, ये किसकी विशेषताएं हैं? अभिवृद्धि की। नेक्स्ट है क्वेश्चन 37। बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? शैशव अवस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या प्रौढ़ावस्था में? तो बालक के सिर का या मस्तिष्क का सबसे ज्यादा विकास कौन सी अवस्था में होता है? आंसर जो है वो देख लीजिए, शैशव अवस्था। शैशव अवस्था में बालक के सिर एवं मस्तिष्क का विकास जो है वो सबसे ज्यादा होता है। गर्भाधान काल की अवस्था नहीं है, बीजकरण, डिंब, भ्रूणावस्था या पिंपस? तो गर्भाधान काल के अंतर्गत तीन इनमें अवस्थाएं हैं और एक जो है वो नहीं है। तो यहां पर सोचने वाली तो बात ही नहीं है, बिल्कुल तीन अवस्था कौन सी होती है गर्भाधान काल में? बीजकरण, डिंब और भ्रूणावस्था। पिंपस जो है वो ये कोई अवस्था नहीं है। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है 3 माह में, 6 माह में, 8 माह में या 9 माह में? तो हमने देखा कि 10 माह में पहला सार्थक शब्द जो है वो ज्यादातर बच्चे बोल लेते हैं। और बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है, यहां पर है कंफ्यूजन। आंसर देख लीजिए, आंसर रहेगा 3 माह। 3 माह में एक बालक अपनी माँ को पहचानने लगता है। टोली की अवस्था है शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या इनमें से कोई नहीं? तो टोली की अवस्था जो है वो कौन सी होती है? आंसर है इसका बाल्यावस्था। ठीक है, टोली यहां पर बनती भी है और जल्दी से बिगड़ती भी है, तो टोली की अवस्था है बाल्यावस्था। चिंता मुक्त अवस्था है, यानी यहाँ कोई चिंता नहीं है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था,
किशोरावस्था या वृद्धावस्था? तो यहां पर यदि दो ऑप्शन देखेंगे आप, वृद्धावस्था यहां पर तो बहुत ज्यादा टेंशन होती है, किशोरावस्था ये तो तनाव तूफान की अवस्था है तो चिंता तो यहाँ ज्यादा होगी। अब वन और टू ऑप्शन जो है उनमें सही उत्तर क्या रहेगा? आंसर रहेगा यहाँ पर बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है इसमें बिल्कुल भी चिंता मुक्त होता है, यहाँ चिंता जो है वो नहीं होती है। क्यों? क्योंकि जो बालक होता है वो टोली बनाता भी है बिगाड़ता भी है, ठीक है, लेकिन शैशवावस्था यहाँ भी चिंता होती है। छोटा शिशु जो होता है उसको कुछ भी चाहिए होता है तो उसके लिए वह रोकर बिलख कर मांगता है, यहाँ उसे बहुत टेंशन होती है, उसकी माँ कहीं दूर ना चली जाए, उसे ये चीज जो है उसकी वो कोई ले ना ले, ठीक है। लेकिन बाल्यावस्था जो होती है यहाँ बच्चा जो है वो चिंता मुक्त रहता है। सर्वाधिक सामाजिक विकास होता है किशोरावस्था में, शैशवावस्था में, वय संधि काल में या प्रौढ़ावस्था में? तो सबसे ज्यादा सामाजिक विकास जो है वो कब होगा? तो देखिए इसका सही आंसर रहेगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में सर्वाधिक सामाजिक विकास होता है। अगला देखिए 43 क्वेश्चन, दिवा स्वप्न एवं भाषा के कूटकरण की अवस्था है। दिवा स्वप्न यानी कि सपने देखना, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वृद्धावस्था या इनमें से कोई नहीं? तो इस उम्र से आप लोग भी निकले थे कभी तो आप लोगों को भी पता है दिवा स्वप्न और भाषा के कूटकरण की अवस्था कौन सी होती है। तो यहां पर वृद्धावस्था तो नहीं होगी, ठीक है, यहाँ बाल्यावस्था या किशोरावस्था, इनमें से आपको बताना है सही उत्तर। तो आंसर सही क्या रहेगा? किशोरावस्था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, समलैंगिक मैत्री भावना पाई जाती है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या परिपक्वावस्था में? तो देखिए शब्दों की ही हेरा फेरी होती है, कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर रहते हैं लेकिन कई बार शब्द जो होते हैं साइकोलॉजी में इस तरीके के आते हैं कि आता हुआ आंसर जो है वो आप लोग गलत कर देते हैं। तो यहाँ टुकड़ों में बांट कर क्वेश्चन को देखना है। सम यानी समान, लैंगिक यानी कि अपने ही साथ के, जैसे लड़का है तो वो अपने फ्रेंड बनाएगा लड़कों को, लड़कियां जो है वो अपने फ्रेंड बनाएंगी लड़कियों को, ठीक है। तो समान लैंगिक मैत्री भावना किसमें पाई जाती है? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या परिपक्वावस्था में? तो खुद को ही उस स्टेज पर रखकर सोचिए कि आप लोगों ने अपने जैसे दोस्त जो है वो कब बनाए होंगे। यदि आप बॉयज हैं तो बॉयज बनाए होंगे, गर्ल्स हैं तो गर्ल ने बहुत ज्यादा अपने फ्रेंड बनाए होंगे। तो देखिए ये भावना जो है वो आती है बाल्यावस्था में, ठीक है। आपने कई बच्चों को भी देखा होगा छोटे छोटों को, वो कहते हैं हम क्यों खेलें, तुम तो अपनी जो अपनी आपकी सहेलियां हैं फ्रेंड्स हैं उन लड़कियों के साथ खेलो, हम बॉयज हैं हम बॉयज के साथ खेलेंगे। ऐसी भावना जो है पाई जाती है बाल्यावस्था में। अगला है 45 क्वेश्चन, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है सिर का, धड़ का, पैर का या सभी का साथ में होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या रहेगा? सर का। जन्म के समय नवजात शिशु का भार होता है 3 किलोग्राम या 6 से 7 पाउंड, 12.50 किलोग्राम, 19.20 पाउंड, 6 किलोग्राम? तो सोचिए इनमें से आंसर क्या रहेगा आप लोगों को। इसमें मैं आप लोगों को समय थोड़ा सा दे देती हूँ।
तो आंसर जो है वो क्या रहेगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, 3 किलोग्राम, या पाउंड में देखें तो 6 और 7 के बीच में। अधिकांश मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बालक के मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है 14 वर्ष में, 16 वर्ष में, 20 वर्ष में, या 4 से 5 वर्ष में। बालक के मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है, तो ज्यादातर मनोवैज्ञानिकों का क्या मानना है? तो इसका आंसर जो है, सही आंसर जो है वो देखिए, आंसर रहेगा 16 वर्ष। 16 वर्ष में मस्तिष्क का पूर्ण विकास हो जाता है, तो अधिकांश मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं। नेक्स्ट है, 48 क्वेश्चन पर आ चुके हैं हम लोग। अब देखिए इसका आंसर क्या होने वाला है। किशोरावस्था में सामाजिक विकास प्रभावित तो होता है, शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, संवेगात्मक विकास से, या उपरोक्त सभी से। तो इतने सारे क्वेश्चन के बाद हमें पता लग चुका है कि विकास के जितने भी आयाम होते हैं सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं, तो एक दूसरे को प्रभावित भी करेंगे। तो यहाँ पर चाहे क्वेश्चन आता है शारीरिक विकास से, चाहे मानसिक विकास से, ऑप्शन यही रहते, तो आंसर होता उपरोक्त सभी। किशोरावस्था में सामाजिक विकास जो है वो शारीरिक विकास से, मानसिक विकास से, संवेगात्मक विकास से, सभी से प्रभावित तो होता है। शैशवावस्था का काल है 0 से 5 या 6 वर्ष, 0 से 2 या 3 वर्ष, 0 से 4 या 5 वर्ष, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर 0 जो है वो आप न लगाएं। आप देखिए यहाँ पर लिखें जन्म, जन्म से 5 से 6 वर्ष, जन्म से 2 से 3 वर्ष, जन्म से 4 से 5 वर्ष, ऑप्शन ये हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो है वो ये रहेगा, ऑप्शन नंबर ए, जन्म से 5 वर्ष या जन्म से 6 वर्ष शैशवावस्था का काल होता है। आज का अंतिम क्वेश्चन, और आज आपको ये टॉपिक जो है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन के माध्यम से। जन्म के समय नवजात शिशु रोता है, क्यों रोता है? भूख के कारण रोता है, पीड़ा के कारण रोता है, भय के कारण होता है रोता है, या श्वसन में तकलीफ के कारण रोता है? तो देखिए हर काल में, चाहे वो शैशवावस्था हो, बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, तो अपने संकट होते हैं। तो जन्म के समय एक नवजात शिशु जो है वो रोता है, जन्म के समय। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो बिल्कुल, यहाँ आंसर रहेगा श्वसन में तकलीफ के कारण जो है वो जन्म के समय रोता है। ठीक है, तो इन 50 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप लोगों ने सही किए हैं आप लोग बताना। मैं आप लोगों के, जिन बच्चों के 50 में से 49 या 50 में से 50 आते हैं, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं उनके नाम बताऊंगी, जिससे आप लोगों को मोटिवेशन मिलेगा कि देखो कितने बच्चे हैं जो कि तैयारी जो है, चाहे रीट का पेपर आगे चला गया हो या कुछ भी हुआ हो, पढ़ाई उन लोगों ने नहीं छोड़ी है। ठीक है, बस इसी वजह से मैं उन लोगों के नाम जो है वो आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला जो हमारा टेस्ट होगा वो व्यक्तित्व से संबंधित होगा, आप लोग तैयारी करके आइएगा यूनिट 2 की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।